हेलो स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब जो दिए गए सेट्स हैं हमारे पास, हमें ये चेक करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस। मतलब एक ऐसा सेट जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता हो, या फिर उस सेट के हर एक एलिमेंट या हर एक फिगर को हम काउंट कर सके, वो सेट हमारे लिए होता है फाइनाइट सेट, राइट। या फिर एक ऐसा सेट जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें डेफिनेटली पता होगा, लेकिन एंडिंग पॉइंट आपको पता नहीं है कि वो एलिमेंट कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, या फिर एक ऐसा सेट जिसमें हम कुछ भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। क्लियर। मतलब एक ऐसा सेट जिसके सेट के सारे एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सेट होता है। और एक ऐसा सेट जिसके हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल हो, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नाउ द फर्स्ट इज द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, क्लियर। अब वो बोल रहे हैं कि एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, इसके पैरेलल है, ठीक। मतलब ये इसके पैरेलल दिख रही है। अब हमें ये बताना है कि ये जो सेट है वो कैसा है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट, ठीक है। मतलब कैसा है, आप बता सकते हो कि कुछ है क्या एलिमेंट इसमें, हम बता सकते हैं कि कितनी लंबी पैरेलल है, कितने साइज तक, जितनी लंबी एक्स होगी उतनी ही लंबी कितनी होगी, ये पैरेलल लाइन होगी। मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितनी पैरेलल है। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज एन इनफाइनाइट सेट। क्यों है इनफाइनाइट सेट, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब जितनी एक्सिस एक्स वाली बड़ी होगी उतनी ही ये पैरेलल लाइन होगी। तो अब हमें ये नहीं पता कि ये जो एक्स एक्सिस है वो कितनी लंबी होगी, राइट। तो हम वो काउंट नहीं कर सकते। तो जितनी लंबी एक्स एक्सिस होगी उतनी लंबी पैरेलल, तो हमें ये नहीं पता है, इसलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। Now the second part is the set of letters in the English alphabet. मतलब आपको पता होंगे कि English alphabet में कितने letters होते हैं, कितने alphabet होते हैं, जैसे A, B, C, D, ये कहाँ तक होते हैं, A से start होता है और end कहाँ पर होता है, Z पर होता है। मतलब आपको counting पता है कि उसमें 26 alphabet होते हैं। 26 से ज्यादा होते हैं क्या, नहीं होते, या 26 से कम होते हैं क्या, नहीं। अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट की बात करोगे तो इंग्लिश अल्फाबेट केवल 26 ही होते हैं। मतलब आप काउंट इजी वे में कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि जिस सेट के एलिमेंट आप काउंट कर सकते हो, उस सेट को हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज अ फाइनाइट सेट। मतलब ये कैसा हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है बिकॉज देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। क्योंकि हमें पता है कि उसमें कितने अल्फाबेट है, 26, इसलिए क्या हो गया, फाइनाइट सेट, क्लियर। नाउ द थर्ड वन इज द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, क्लियर। मतलब एक ऐसा सेट हमें बनाना है जो मल्टीपल ऑफ 5 हो, मतलब 5 का टेबल। लेकिन इसमें कोई कंडीशन दी है कि वो जो मल्टीपल ऑफ 5 है वो कहाँ तक का होना चाहिए, तो मैं बताती हूँ। जैसे सेट स्टार्ट हुआ 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 15 = 20, और आएगा क्या, हाँ आप बोलो तो मैं और लिख देती हूँ, 30, बस और आएगा क्या, हाँ और आएगा। लेकिन ऐसे और आते ही जाएंगे, कितने आएंगे क्या आप काउंट कर सकते हो क्या, आप 2 लिखोगे वो भी मल्टीपल ऑफ 5 है, 4 लिखोगे वो भी मल्टीपल ऑफ 5 है, 6 तक लिखोगे वो भी मल्टीपल ऑफ 5 है। तो आपको कब तक लिखना है,
जब तक नेचुरल नंबर में मल्टीपल ऑफ 5 हो, तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 काउंट नहीं कर सकते कि हमारे सेट में मल्टीपल ऑफ 5 कितने होंगे। हम जो भी बोलोगे, जैसे आपने बोल दिया 450, तो मैं बोल दूंगी उसके बाद 455 आएगा, मतलब हर एक के बाद एक डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 5 डेफिनेटली आएगा। इसलिए इस सेट के अंदर के एलिमेंट या नंबर्स हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है। इस कारण ये सेट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर? इनफाइनाइट सेट है। क्यों है? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ 5, क्योंकि इनफाइनाइट है मल्टीपल ऑफ 5, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। राइट? नाउ द फोर्थ वन इज द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। मतलब हमें एक एनिमल का सेट बनाना है जो इस पृथ्वी पर रहते हो। माना कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले एनिमल्स को आप काउंट कर सकते हो? हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स है उसको काउंट करना है, तो आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर बेस दे दिया। बेस क्या दे दिया? अर्थ। तो अर्थ, ओनली अर्थ पर रहने वाले एनिमल आप काउंट कर सकते हो। बट ये है कि अर्थ आपकी बहुत बड़ी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सेट कितना भी बड़ा हो। बस हमें ये डिपेंड करता है कि हम उसको काउंट कर सकते हैं या नहीं। इट मीन्स द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं। बिकॉज द नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज वेरी लार्ज बट फाइनाइट, मतलब आप काउंट कर सकते हो, भले से पृथ्वी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी आप उस एनिमल्स को काउंट कर सकते हो, इसलिए वो फाइनाइट सेट होगा। राइट? नाउ द फिफ्थ इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब आपको ऐसे सेट बनाना है कि जो ओरिजिन से सर्कल्स पास होते हैं। सपोज ये एक सर्कल है आपके पास, ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से और कितने सर्कल पास हो सकते हैं? ये मैं बनाती जा रही हूँ। ऐसे आप कितने बना सकते हो? काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, अनकाउंटेबल है। मतलब आप जितने भी सर्कल बनाओगे उससे हमेशा क्या करूंगी मैं, एक ज्यादा सर्कल ड्रॉ कर दूंगी उस ओरिजिन से, मतलब आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0 इज एन इनफाइनाइट सेट, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन इन डिफरेंट रेडियस, मतलब अलग अलग इससे हम कितनी सर्कल आसानी से बना सकते हैं। क्लियर? तो जो सेट आप काउंट कर सकते हो वो फाइनाइट सेट होगा, और जिस सेट के एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होगा।